आपका शुक्रिया. ऐसी कोई बात नहीं. गुड इवनिंग. जीती रहो बेटा. जान क्या हुआ, आप उन्हें ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम इस गाड़ी में क्यों बैठी? ये सलीम के बाबत है. सलीम को अपनी दादी के पास रुकना था, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ ड्रॉप किया है. कितनी बार कहा उन लोगों से मोहतात रहो. अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी तो जाओ रहो उनके साथ. अम्मी मुझे घर आना था और एहसन साहब भी इस तरफ आ रहे थे, उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया. इसमें क्या इतनी बड़ी बात हो गई? हॉस्पिटल क्यों गई थी? बैरन साहिबा को होटल में हार्ट अटैक आ गया था. अच्छा, मैंने देखा उन्हें. तुमने देखा उनको? एहसन साहब और मैं हॉस्पिटल में मिले थे. सलीम अपनी दादी के साथ रहना चाहता था तो उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया. ओ अच्छा, तो उस महारानी साहिबा की जिंदगी मेरी बेटी ने बचाई. अम्मी जान, कभी कभी आप ऐसी बातें करती हैं जिसका जवाब देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है. इतने सालों बाद तुम्हारा इस तरह मिलना मेरे मुकद्दर में लिखा था. देख लो एहसन. यकीन नहीं आ रहा, नीलू की बेटी और मेरे बेटे के साथ. सर कहाँ चल रहे? ऑफिस जाएंगे? नहीं, अभी हम ऑफिस नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल. गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ ले लो. ठीक है सर. बच्चों, अब मेरी देखभाल बहुत हो गई, तुम लोग अब अपना काम करो. मेरी फिक्र मत करो, मैं 100% ठीक हूँ. लेकिन हम बहुत डर गए थे दादी जान. बेटा, तुम लोग भी बहुत जल्दी डर जाते हो, इतनी इतनी सी बातों पर नहीं डरते. क्या मैंने तुम लोगों की परवरिश इस तरह से की? तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी, ऐसा ही है ना? देखिए कौन आया. कैसी हैं आप? माशाल्लाह ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया. डॉक्टर भी आपकी तबीयत से बहुत खुश हैं. क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? हाँ बिल्कुल है, इन दोनों को यहाँ से ले जाओ. मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ, अब बिल्कुल ठीक हूँ. और ये लोग तो ऐसे आए हैं जैसे मुझे आखिरी बार देखने आए हो हॉस्पिटल. अल्लाह ना करे दादी जान, कैसी बातें कर रही हैं, परेशान कर रही हैं आप. सही बात है, लेकिन बच्चे डर गए थे बहुत. ये लोग आपकी बहुत फिक्र करते हैं. हाँ जानती हूँ. देखो बेटा, अब तुम्हें मेरे बगैर रहने की आदत डालनी चाहिए. अब बताओ, क्या मैं इस दुनिया में सारी जिंदगी रहने आई हूँ? ये और कुछ नहीं, बस ऊपर जाने की तैयारी है हमारी. अरे दादी, ऐसी बातें नहीं करें, आपको पता भी है मुझे ऐसी बातें नहीं पसंद. चलो हम चलते हैं, दादी को अब आराम करने दो बच्चों. हाँ चले.
अभी तो हम लोगों ने बहुत मजे करने हैं दादी, आप मुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती कभी। हाँ ले आओ। नहीं 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 नहीं, ये वाला सही है। अरे कैसी हो असना? ओह क्या हाल है जेम, आ जाओ। बहुत शुक्रिया, आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। मैंने कहा था ना तुम्हें, ये तो सिर्फ शुरुआत है, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, काम करते हैं। ये क्या? आपने कहा था ना किसी को शक ना हो जाए, इसलिए ये आइडिया मेरे दिमाग में आ गया। तुम भी कुछ कम नहीं हो जैन, शाबाश, मुझे पसंद आया ये आइडिया। अच्छा वो लड़का? कौन सा लड़का? जिसकी वजह से आजकल तुम अपनी माँ को कम ही देखती हो, वही लड़का। ओफ अम्मी जान, ओफ, आपके सवालात खत्म ही नहीं होते। क्या अम्मी यार, सवाल पूछना भी मना है क्या? आप बिल्कुल पूछ सकती हैं, लेकिन अभी मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ। ठीक है, पूछे आपको जो भी पूछना है, एक ही बार पूछें। नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना, बस इन बातों का तुम्हारी पढ़ाई पे कोई असर ना हो। जिससे तुम दोस्ती कर रही हो उसकी क्लास अलग है, उसकी दोस्ती में गुम होके अपनी पढ़ाई को ना भूल जाना। अम्मी जान, आपको ऐसा लगता है कि मैं एक लड़के के पीछे अपनी पढ़ाई छोड़ूंगी? हाँ मैं जानती हूँ तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, बस मैंने ऐसे ही कह दिया, माँ हूँ ना, क्या करूँ। आज उसने कॉल नहीं की तुम्हें, वैसे तो फोन हर वक्त बजता रहता है तुम्हारा। वो अभी हॉस्पिटल में है। सही कह रही हो। अच्छा वो घर आते हुए सलीम के बाबा से तुम्हारी? एहसन साहब। हाँ वही एहसन साहब, तुम्हारी क्या बात हुई उनसे? उन्होंने कोई बात नहीं की, शायद वो अपनी वालदा की वजह से थोड़ा परेशान दिख रहे थे, इसीलिए ज्यादा बात नहीं की उन्होंने। घमंडी, तो तुम्हारी इस वजह से कोई बात नहीं हुई? अम्मी जान, उस आदमी की बीवी तो है ना, तो फिर वो हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? बिल्कुल उनकी बीवी है अम्मी जान, लेकिन वो क्यों नहीं आई मुझे नहीं पता, मैं कैसे जानती होंगी। मैं उनसे पूछूंगी कि मेरी अम्मी पूछ रही थी कि आपकी बीवी आपकी वालदा को देखने हॉस्पिटल क्यों नहीं आई। बाबा आप ऐसे क्यों बैठे हैं, आराम से बैठ जाइए ना, टेक लगाकर जैसे उठकर भागने वाले हूँ अभी। नहीं बेटी, तुम्हारा वक्त जाया करना नहीं चाहता, तुमने बुलाया तो मैं चला आया बस। ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, ये जगह आपकी भी तो है, और इनॉग्रेशन वाले दिन तो मैं आप पर ध्यान भी नहीं दे पाई थी। चले अब आराम से बैठे पुरसकून होकर, जैसे अपने घर में बैठे हूँ, चाय पिए मजे से। ये ले जाए, इसे छुपा के रख दीजिएगा। छुपा के रख दूं? हाँ छुपा के रखिएगा। बेटी क्या तुम अपने शौहर के पैसे चुरा रही हो, सच बताओ। बाबा इसे चुराना नहीं, सेफ करना कहते हैं। वाकई? मैं तुम्हारे हाई क्लास दोस्तों की तरह पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन बेवकूफ भी नहीं हूँ। बाबा आप क्या कह रहे हैं? असना, तुमने मुझे वो सेफ में रखने के लिए कहा था, मैंने किया,
अब बाकी के काम तुम खुद जाके करो, वहां तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। ऐसे घटिया काम में मुझे शामिल ना करो। मुझे तो ये जगह बहुत पसंद है, आपको भी देखनी चाहिए। कहाँ जा रहे हैं? मैं बाहर जा रहा हूँ, वहीं आ जाना। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या ये वाकई में मेरे ही बाबा हैं? मैं अपनी अम्मी पर गई हूँ। अगर बाबा पे गई होती तो अब तक मैं सिर्फ गुर्बत में ही जी रही होती। मैं सिर्फ अपना मुस्तकबिल महफूज बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या करूँ? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या वाकई? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी दुआ कबूल हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। लेकिन तुम्हारा शौहर तो नहीं चाहता था। लेकिन मैं चाहती हूँ, और आप देखिएगा, इस बार जो मैं चाहूंगी बस वही होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, कहीं वो खफा ना हो जाए। और अगर तुम्हारे यहाँ लड़का हो गया तो? खफा होना तो छोड़ो, वो तुम्हें अपने सर का ताज बना के रखेगा। वाकई में? बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। फिर आप देखिएगा, सलीम का भी एक कॉम्पिटिटर हो जाएगा। हाँ हाँ, तभी आएगा मजा। क्या कह रहे हो? तुम्हारा इंतजार। बस मैं हॉस्पिटल से यहीं आ गया। उम्मीद है दादी माँ ठीक होंगी तुम्हारी। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। सलीम, सब ठीक तो है ना तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के बीच? अरे नहीं, मेरे और बाबा के बीच में क्या हो सकता है, जो होना तो हो चुका है। दादी जान को अपनी सेहत की फिक्र नहीं थी, बल्कि वो मेरी वजह से परेशान थी। तो वो और क्या करती सलीम? उन्होंने अपने तौर पे तुम्हें समझाने की कोशिश तो की। हाँ, लेकिन इससे उस बात का क्या ताल्लुक है सारा? मैं तो चाहता हूँ कि मैं दादी के सामने मर जाऊँ। ऐसा मत कहो सलीम, तुम जानते हो कि तुम्हारे बगैर रहने का ख्याल ही मुझे परेशान कर देता है। अभी तो गुजारने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है साहब, कभी मत भूलना ये। जो जिंदगी हम साथ गुजारेंगे वो बहुत अच्छी होगी, ये ख्याल आते ही बहुत अच्छा लगता है। वैसे तुम मेरे साथ चल रही हो ना? मैं बिल्कुल कहीं नहीं जा सकती, मुझे अपने लेसन्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, फिर मैं बुराक को कॉल करता हूँ और उसके साथ चला जाता हूँ। ठीक है। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। सलीम, ठीक है, फिर मिलते हैं। सी यू। यहाँ खड़ी मत हो, ठंड लग जाएगी। हाँ सलीम, बोलो। क्या हाल है मेरे भाई? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक। बताओ, क्या आज बाहर निकलने का इरादा है तुम्हारा? इस वक्त? हाँ हाँ, अभी ही की बात कर रहा हूँ। भाई खैरियत तो है, तुम उदास हो क्या? अरे बुराक, क्या हो गया है, तुम आ रहे हो या नहीं? ठीक है, आता हूँ मैं। ठीक है, आ रहा हूँ मैं अभी। नहीं नहीं, तुम मत आओ, मैं फिलहाल अभी घर पर नहीं हूँ। ठीक है, जहाँ हो बता दो, मैं अभी आ जाता हूँ। अम्मी जान, आप इतनी जिद क्यों कर रही हैं? जो होना था वो हो चुका है, हम क्या कर सकते हैं, बुढ़ापा ऐसा ही होता है, सब पर बुढ़ापा आता है, सबका आखिरी वक्त आता है, जो आया है उसे जाना है। अम्मी जान, ये बातें करने के लिए ना ये वक्त सही है और ना ही ये जगह। सुनो बेटा, वक्त भी सही है और जगह भी, ये सच है,
मैं आज हूँ और कल नहीं होंगी। खुदारा बस करें। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे बाबा अपने जज्बात दिखाने वाले इंसान नहीं थे। उनका प्यार जताने का तरीका बिल्कुल अलग था। आखिर तुम हो तो उसी बाप की औलाद ना, वही तुम सलीम के साथ करते हो। आपसे जो भी बात करो आप फौरन सलीम पर आ जाती हैं। अरे नहीं, सलीम पर नहीं आई, बल्कि ये मौजू बाप और बेटे का है। देखो बेटा, बाप का हर काम किया हुआ ठीक नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना। तुम्हारे बाबा बहुत सख्त मिजाज थे। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊं। तुम्हारे बाबा की हाकिमाना तबीयत थी। मैंने हमेशा कोशिश की कि उनकी कोई आदत तुम्हारे में ना आ जाए, इसीलिए दूर रखा। मुझे सब याद है। अच्छा तो बताओ क्या याद है। सलीम के लिए तुम्हारी बीवी का रवैया क्या ठीक है? उसका छोड़ो, तुम्हारा रवैया ठीक है? मानता हूँ कभी कभी मैं गुस्से में आकर लाइन क्रॉस कर देता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मैं उस आदत को भी सुधारो। देखो बेटा, सलीम जब 14 साल का था तब उसने अपनी माँ को खोया था, सिर्फ 14 साल का। तुमने उसकी माँ की कमी को आखिर पूरा करने के लिए क्या किया, बताओ मुझे। और ऊपर से तुम असना नाम की औरत को घर में लेकर आए, शादी की, उसे रखा। आपने फिर वही बातें शुरू कर दी। मेरा सिर्फ एक मतलब है, तुम सलीम से सुलह कर लो, वरना याद रखना एक माँ होने के नाते कभी माफ नहीं करूँगी। उसे वापस घर लेकर आओ, घर लेकर आओ ताकि उसे भी ये महसूस हो उसके सर पर भी हाथ रखने वाला कोई मौजूद है और उसका बाप खड़ा है उसके साथ। समझ गए ना तुम? वादा करो मुझसे। ठीक है अम्मी जान, मैं वादा करता हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त? यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद आप हमारे साथ रहेंगी, होटल नहीं जाएंगी जब तक सेहतियाब नहीं हो जाती। क्या हुआ मेरे भाई, कहां घूमो? क्या सारा के साथ लड़ाई हुई है? मेरे भाई देखो, मैं तुमसे कहना नहीं चाहता था, मगर ये लड़की तुम्हारे टाइप की नहीं है, क्योंकि वो कॉलेज में किसी से बात भी नहीं करती। तुमने सोचा होगा मैं उसे सबक सिखाऊंगा, हर लड़का यही सोच रखता है और ये जज्बात सब में पाए जाते हैं, मगर तुम तो किसी और ही रास्ते पर हो भाई, सारा बहुत मुख्तलिफ है। क्या कह रहे हो तुम बुरा के यार? क्या तुम्हारी सारा के साथ कोई बहस नहीं हुई? बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। दादी जान मौत के मुंह से बाहर आई है, उन्हें हार्ट अटैक आया था होटल में। कैसे, ऐसा क्या हुआ था तुम्हारी दादी को? बोलो सलीम, अब कैसी है तुम्हारी दादी? हाँ, अभी तबीयत कुछ बेहतर है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अभी हॉस्पिटल में रहेंगी। अल्लाह उन्हें जल्द सेहतियाबी दे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी जल्दी। ये तो अच्छी बात है कि खतरे से बाहर है हालत। हाँ अभी तो ठीक हो चुकी हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। ठीक है यार, बस अब तुम उदास मत हो मेरे भाई, इस तरह की बातें नहीं करते, सब अल्लाह पर छोड़ दो, अच्छी उम्मीद रखो। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मेरे और सारा के रिलेशन के बारे में मत सोचना, क्योंकि मैं भी अब बिल्कुल नहीं सोचता इस बारे में। तुम्हें खुद को तकलीफ देने में क्या मजा आता है सलीम? यार दोबारा शुरू मत हो जाना। जब भी तुम्हारे किसी अजीज को तकलीफ होती है तो तुम खुद भी अपने आप को जाकर तकलीफ देते हो।
सलीम, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम नफ्सियाती मरीज होते जा रहे हो। बात को मत बढ़ा। बात को नहीं बढ़ा रही। पहले खुद को तकलीफ दोगे, फिर कुछ वक्त बाद तुम्हें दूसरों को दर्द पहुंचाने में मजा आने लगेगा। बस करो ये सब। अंदर नहीं बुलाओगे क्या? आप यहीं रुकें, मैं बस अभी आता हूं। क्या हुआ, यहां क्यों आए हैं आप? यही अगर मैंने किया होता तो हजार बातें सुनती उनसे। क्या? बाबा को कॉल कर रही हूं कब से। हाँ, सलीम से मिलने के लिए गए हैं वो। मैं दादी जान को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। दादी अपनी तबीयत की परवाह किए बगैर उनका पैचअप करवाना चाहेंगी। तुम्हारा मतलब इसी वजह से फोन नहीं उठा रहे? हाँ, वो दोनों जरूर कोई अहम बात कर रहे होंगे, इसीलिए फोन नहीं उठाया आपका। लेकिन परेशान ना हो। अब मैं चलती हूँ। ठीक है। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। दुश्मन की तरह मत देखो मेरी तरफ। क्यों ना देखूं मैं आपको ऐसे? मानता हूं मैं एक अच्छा बाप नहीं बन सका, इसीलिए तुम मुझ पर बेटा कभी एतबार नहीं करते। सलीम, ये जो कुछ भी हुआ इसका अफसोस है मुझे। माफ कर सकते हो? ऐसे मत देखो मुझे। अगर गलती हो जाए तो बाप भी कभी कभी माफी मांग लिया करते हैं। हाँ, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो बेटा, लेकिन मैं तुम्हें इसे जताना नहीं चाहता। और इसे कैसे जताते हैं मुझे नहीं मालूम। और जो चीजें मैं हासिल नहीं कर सका, चाहता हूं तुम उसे हासिल करो। जो मकाम मैं नहीं पा सका, वहां तक तुम जाओ। अपनी राह का सही इंतखाब करो सलीम। जबरदस्त बाबा, मुझे आपकी किसी भी बात में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है बाबा। मैंने जैसा आपके बारे में सोचा था आप बिल्कुल भी वैसे नहीं है, बिल्कुल भी। क्या जानते हैं आप, मैं अब आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता बाबा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है सलीम, और कुछ नहीं बेटा, सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता। लेकिन जो कुछ आपने मेरे साथ किया है उससे मुझे खुशी नहीं मिली। मैं आपकी तरह नहीं हूं, मैं एहसन साहब नहीं हूं। मैं आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। आपने बहुत कोशिश की
लेकिन आप मुझे खुश नहीं रख पाए, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दें बाबा, मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज। ठीक है बेटा, ठीक है, जैसा चाहते हो वैसा करो, अब ठीक है। तुम्हारी दादी को मैं घर ले जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो कहीं और जाएं। तुम भी घर वापस आ जाओ, क्या हम फिर एक साथ नहीं रह सकते? क्या कहते हो? देखते हैं। Sözleşmeden buluşuverir kırık kalpler. Anlatılmaz ama oradadır bütün dertler. Gönül kırgınlıkları, hayat haksızlıkları, kader yalnızlıkları çeken bütün kalpler. Yorgunlukları, şehir yalnızlıkları çeken bütün kalpler. Kimini yakıp geçen aşklar incitmiş, kimini yanlış kararlar yıkıp geçmiş, kimine yakın dostu ihanet etmiş, kimi hayatın sillesini yemiş. Kırık kalpler var, doldurun kadehleri içelim beraber, yılların yorgunluğu geçene kadar. Kırık kalpler durağında inecek var, yüreğindeki dertleri dökecek var, doldurun kadehleri içelim beraber, yılların yorgunluğu geçene kadar. सुबह सुबह क्यों आ गए? थोड़ा और आराम कर लेते। मैंने सोचा कि अपने दिन का आगाज दादी के साथ शुरू करूं, ताकि सारा दिन अच्छा गुजरे। शुक्र है दादी, आज हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। तुम्हें कैसे पता चला? बाबा ने बताया, कल वो मेरे साथ ही थे। हाँ हाँ, तो नाराजगी कम हुई? कह सकते हैं। शायद, मतलब? कल बाबा घर आए थे और मुझसे माफिया मांगने लगे। मैंने उनकी बात नहीं सुनी और उनको जाने के लिए कह दिया। ठीक है बेटा, तुम भी अब अपनी जिद छोड़ दो।
जो हो गया सो हो गया, जाने दो उसे, भूल जाओ अब सब कुछ, सुलह कर लो। मैंने और तुम्हारे दादा ने एहसन की भलाई के लिए जो किया है, अगर तुम्हें पता हो तो हैरान रह जाओगे। क्या सच में दादी? हाँ, क्या तुम ये समझते हो कि माँ बाप होना आसान काम है? तुम्हें अंदाजा नहीं है। देखो बेटा, तुम्हारे दादा ने इतनी तकलीफ दी है तुम्हारे बाबा को, और उसकी शादी के मामले में तो बहुत झगड़े हुए। क्या सच में? हाँ मेरे बच्चे, ये बिल्कुल सच है। लगता है कि ये काम आपको बहुत ज्यादा पसंद आ गया है। हाँ बिल्कुल। अम्मी, मैं जानती हूँ कि ये आपका डिसीजन है और मैं इसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन लेकिन क्या? अगर आप ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मुझसे गुस्सा हैं, तो प्लीज ऐसा मत करें। सारा, मैं इतने सालों से घर में बैठी बोर हो गई थी। अब इन कपड़ों के बहाने मैं थोड़ा मसरूफ हो जाऊंगी और कुछ पैसे भी आ जाएंगे। बेटी होने के नाते इतने अरसे से तुम मुझे पाल रही हो, क्या ये ठीक है? लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप थक जाएं। मैं काम करूंगी और पैसे कमाऊंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ बेटा, तुम मेहनत से नहीं भागती। लेकिन अब बेटा, किसी भी तरह मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा हाथ बटाने की कोशिश करूं। लेकिन बेटा, मैंने अपनी गलतियों की वजह से तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारे भाई की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं अम्मी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है अम्मी जान, प्लीज। बेटा ये सच है। अगर मैं तुम्हारे बाबा की नीयत पहले ही जान जाती, अगर मैं पूछ लेती कि इतना पैसा कहां से आ रहा है, तो आज सब कुछ मुख्तलिफ होता। या काश अपने अंदर आए हुए गुरूर को पीछे छोड़ के अरकान के अलावा किसी और से शादी कर लेती। क्या मतलब है आपका?
क्या आपकी जिंदगी में कोई और भी था अम्मी? आपने उससे अपने गुरूर की वजह से शादी नहीं की, सही कहा ना? बताएं अम्मी। एहसन साहब बहुत नर्वस दिख रहे हैं आजकल। क्योंकि वो बहुत मसरूफ हैं और सलीम का मामला तो हम जानते ही हैं। नई इन्वेस्टमेंट और पुराने काम से थका लिया है खुद को। दादी के आने से मूड सेट हो जाएगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, शायद उनके आने से वो चेंज हो जाए। असना और दादी जान के बीच की कड़वाहट माहौल को और ना बिगाड़ते ओनर। मुझे इन दोनों के ताल्लुकात ठीक नहीं लग रहे। लगता तो यही है, असना ही सोचती है कि हमें उसकी बातें समझ नहीं आती। बहुत हैरानी की बात है कि हर चीज बहुत तेजी से बदल रही है। कहती है कि महीनों पहले ऑर्डर किया था, ऐसा कहना है असना का। फिर ऐसे ही होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आओ नाश्ता करने चलते हैं। सिविंच, इतनी जल्दी सारी तैयारियां कर ली आज? बड़ी बेगम साहिबा हॉस्पिटल से घर आ रही हैं, ये सारी तैयारी उन्हीं के लिए है। ठीक है। आए, ये कैसे बर्तन हैं? ये कहाँ से निकाला? छी, ये सेवेंच ने दादी जान के लिए निकाली है। लेकिन ये बर्तन का कैसा डिजाइन है, अजीब सा, पुराने जमाने का। ये आजकल के बर्तनों जैसे बिल्कुल भी नहीं है, दादी को उनकी अम्मी ने दी थी, बहुत कीमती है ये। मेरी जान, पूरी फैमिली अलर्ट है, सारे नौकर भागते फिर रहे हैं बैरन बेगम की आमद के लिए। तुमने भी तो रूम का फर्नीचर बदला है ना? फर्नीचर बदलने का बैरन बेगम की आमद से कोई लेना देना नहीं, तुम जानते हो हमने पहले ही ऑर्डर किया था। मैंने सिर्फ तुम्हें रूम के लिए इजाजत दी थी, लेकिन तुमने तो इस घर का सारा फर्नीचर चेंज कर दिया जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? इतना तो अच्छा है। इससे क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चॉइस तो तुम्हारी है। ओ तुम भी ना, हमने साथ ही तो जाके चूज किया था, देखो ना कितना शानदार है। इस दीवार पर दादा की तस्वीर लगी थी। तुम कहो तो वो भी टांग दूंगी डार्लिंग। तो क्या हुआ, स्टैचूज अच्छे लग रहे हैं, वो तुम्हें मेरी याद दिलाएंगे। कोई बात नहीं, बस अम्मी जान को यहाँ आके कोई तकलीफ ना हो। बहुत शुक्रिया मैडम। बॉडीगार्ड। हाँ कैसी हो भाई? मैं तो ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी देर पहले मैंने एक सवारी उतारी है। हाँ हाँ देखा है मैंने, तुम ब्रिजी की बात कर रहे हो? जानते हो उनको? हाँ जानता हूँ, क्यों क्या हुआ? वो अपना बैग मेरी गाड़ी में भूल गई हैं, ये बैग जरा उन तक पहुँचा देना। ठीक है भाई, ठीक है। पता नहीं क्या बात है, सारे मसले मेरे ऊपर ही आए जा रहे हैं। वैसे बैग अच्छा मिला है तुम्हें। हाथ मत लगाओ। क्या है, देख ही तो रही हूँ, खा थोड़ी ना रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे एक मिनट इधर तो दिखाओ, दिखाओ। पूरे इस्तांबुल में उससे सिर्फ और सिर्फ ब्रिजिक ही दिख रही है क्या? रुको मुझे देखने दो इसके अंदर क्या है। लेट हो गए हो। मैं दादी के साथ हॉस्पिटल में था। मुझे पता था इसलिए तुम्हें कॉल नहीं की। अब कैसी है उनकी तबीयत? वो आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगी। क्या वो होटल वापस आएंगी? नहीं, वो बाबा के साथ चली जाएंगी। तुम्हारे बाबा भी हॉस्पिटल में थे? नहीं, मेरा मतलब है कि कल बाबा दादी के घर आए थे,
मुझसे माफी मांगने लगे और कहने लगे कि जो कुछ भी मैंने किया है वो गलत है। बस ये तो अच्छी बात है, एटलीस्ट उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने उन्हें कुछ कहा तो नहीं? सलीम ये क्या है? अरे कुछ नहीं, कल मैं और बुराक बाइक चला रहे थे तो उसकी वजह से ऐसा हुआ है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने दीवार पे हाथ मारा हो। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो ये, खैर इसको छोड़ो, ये बताओ कि तुम एग्जाम के लिए तैयार हो। मैं तो तैयार हूँ, तुम अपना बताओ। हाँ मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास आप जैसी इतनी अच्छी टीचर तो है। अच्छी बात है। फिक्र किस बात की? सलीम तो अब दिखता ही नहीं है। सलीम अपनी दादी के साथ हॉस्पिटल में होगा, आज वो डिस्चार्ज हो रही हैं तो उन्हें लेने गया होगा। उसकी दादी कैसी हैं? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक? मुझे नहीं पता इसका। और तुम मुझे अब बता रहे हो बुराक? और कब बताता ब्रिजिट, कोई बड़ी बात नहीं है ये, दिल का दौरा पड़ा था, आज डिस्चार्ज हो रही है वो। मैं वो पहली बंदी होती हूँ जिसे सब पता होता है और अब मुझे कुछ पता ही नहीं, क्या करूँ मैं इसका? दिमाग खराब हो गया। ओहो मैडम, सेक्रेटरी का नया आर्टिकल देखा तुमने? क्या क्या? ये देखो, यूनिवर्सिटी के सबसे पॉपुलर ग्रुप में देखो क्या हो रहा है, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ हुआ हादसा। क्या ये एक दुश्मन का प्लान है? डिटेल जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। देखो तो क्या कर सकते हैं, ये क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आया। सब्र करो जरा, ठीक है ना? ये जैनब कहाँ पर है? हाँ जैनब को क्या हुआ, वो तो ऐसे घूम रही है जैसे दूसरी दुनिया से आई हो। कुछ तो चक्कर है। खैर ओफो, मैं सच में तुम दोनों के बीच रहकर बोर हो चुकी हूँ। अगर मैंने तुम दोनों को अकेला छोड़ दिया तो तुम दोनों बिल्लियों की तरह लड़ोगी। मैं समझी नहीं, जैनब ने कुछ कहा है क्या मेरे बारे में जो मुझे अब पता चल रहा है? अदा क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? यार मैंने उसकी एक साइड ली है और कहा कि ना करो ऐसा, तुम ब्रिजिक से दूर होती जा रही हो, बस इतना ही। तो उसने क्या कहा? उसने भी कहा कि ब्रिजिक मुझसे जैसा सलूक कर रही है मैं भी उससे वैसा ही सलूक करूंगी, बस इतना ही। उसने अपने छोटे से दिमाग से मुझे सबक सिखाने का फैसला किया। मुझे तो लगा था ये आम सा बैग है। वाह भाई, मेरी बात सुनो नाजली, आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूँ, बिरजीत को मेरे बारे में बताया या नहीं बताया तुमने? मैं ये बात पता लगा ही लूंगी, समझी? क्या मसला है तुम्हें, एक बात के पीछे पड़ गई हो, मेरी जान छोड़ो। अगर तुमने बिरजीत को कुछ भी कहा? अबे बस कर, बिरजीत को ये मत कहना वो मत कहना, अगर कह दिया मैंने फिर कुछ कर सकती है? रास्ते के बीच में मत खड़ी हुआ कर।